नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z अपडेट में। आपका होस्ट और दोस्त दीपक गुप्ता स्वागत करता है इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार होने वाला है। कारण यही है क्योंकि आज के जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ कुछ रैपिडो कंपनी के ऐसे फैक्ट्स शेयर करने जा रहा हूँ जिससे कि यदि आप फ्यूचर में इसके साथ जुड़े रहते हैं तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज हमारे वीडियो का टाइटल है कि क्या रैपिडो कंपनी बाकी सारी कंपनियों को डिस्ट्रॉय कर देगी, तबाह कर देगी, तो ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि आज कुछ ऐसी वजह मैं बताऊंगा, कुछ ऐसे रीजन आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि निश्चित तौर पर आप भी ये मान लेंगे कि हाँ ये कंपनी ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए अपकमिंग वीडियोज की अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना देर करे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में ही जैसे कि कहा कि आज हमारे वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि रैपिडो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को तबाह कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये तबाह कर देगी। जैसा कि आपको पता होगा कि यदि बाइक के प्लेटफॉर्म पे, बाइक टैक्सी जॉब्स के प्लेटफॉर्म पे यदि हम बात करें तो ऑलरेडी ओला और उबर जैसी कंपनियाँ इसके सामने टिक नहीं पा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है दोस्तों कि रैपिडो ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो उसके कैप्टन्स यदि किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसे कि चालान वगैरह हो गया या बाइक टैक्सी के दौरान के साथ दुर्घटना हो गई, उनका सामान खराब हो गया, मोबाइल गिर गया, तो वो मुआवजा देती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो भी रैपिडो के जितने पैसेंजर हैं उनका कहीं ज़्यादा है बाकी कंपनियों की तुलना में। कारण यही है दोस्तों कि आप किसी भी व्यक्ति से यदि आज की डेट में बात करते हैं कि इंडिया में बेस्ट बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म कौन सा है तो कोई भी व्यक्ति आपको रैपिडो का नाम ही लेगा। कारण इसका सबसे बड़ा ये भी है दोस्तों कि इसका जो स्पान एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया के लगभग लगभग 100 शहरों में ये काम कर रही है। और साथ जो इसकी USP है वो यही है कि वो बाइक बेस्ड जॉब को प्राथमिकता दे रही है। क्योंकि बाइक टैक्सी की खासियत ये है कि आपका जो ट्रैफिक है उसके दौरान लगने वाला समय जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, साथ ही साथ जो है आपका जो फ्रीडम है वो भी बनी रहती है कि आप अपना सिंगल एक आदमी बढ़िया बाइक के साथ जाइए। तो ये तो रही दोस्तों यहाँ पे बाइक टैक्सी की बात कि बाइक टैक्सी में तो रैपिडो का वाकई कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। अब बात करें यहाँ पे दूसरी, तो रैपिडो ने एक चीज़ ये बहुत पहले से समझ ली थी कि यदि वो सिंगल प्रोडक्ट पर काम करेगा, मतलब कि एक ही चीज़ पर वो पूरी तरीके से फोकस करेगा, आधारित रहेगा, तो आगे उनको कभी ना कभी दिक्कत हो सकती है। इसलिए उसने धीरे धीरे बाकी कंपनियों से भी टाइप चालू करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी राइट नाउ हम फूड डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं रैपिडो के साथ एक ही ऐप में, जिसके लिए उसने जोमेटो के साथ, तो स्विगी के साथ टाइप करके रखा है। और उसमें टाइप करने का कारण यही है कि रैपिडो के जितने भी एम्प्लॉयज हैं या रैपिडो कैप्टन जितने भी हैं वो फ्री ना बैठे। इसके अलावा पार्सल डिलीवरी की सुविधाएं भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आने वाले समय में आने वाली है। अभी ये सूत्रों से पता चला है, आधिकारिक सूत्रों से ये जानकारी हाथ लगी है कि रैपिडो जो है अब मेडिसिन डिलीवरी के क्षेत्र में भी काफ़ी कंपनियों से बात कर रही है, जिसके जरिए मेडिसिन वगैरह भी जो है अब हम पहुंचा सकते हैं एज अ रैपिडो कैप्टन काम करते हुए। और एक चीज़ और बात करें तो बाकी कॉम्पिटिटर की वजह हम यहाँ पर देखें तो रैपिडो में कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी कैप्टन के लिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐप को डाउनलोड करके सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि रैपिडो कैप्टन कैसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पर आपको उसका लिंक दे दूँगा जिसके जरिए आप आसानी से रैपिडो कैप्टन को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यदि रैपिडो कैप्टन ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेफरल कोड को जरूर की यूज़ कीजिएगा, जो कि अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग कैप्टन्स के दिए गए हैं। और ये कैप्टन्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं जो अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और इनका कैप्टन का जो रेफरल कोड है वो यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि यदि आपको कभी कोई दिक्कत पड़ जाती है, यदि आप कभी किसी समस्या में फंस जाते हैं तो वो आपकी फ़ोन पे मदद जरूर करेंगे और हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग वगैरह देने में भी आपकी मदद करें। तो रेफरल कोड जरूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि इससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे और भी हम आगे चीज़ें बात करें तो रैपिडो कैप्टन जो है अब एक बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से एक बड़े प्लेटफॉर्म के में बड़े प्लेयर की तरह उसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि दूर दूर तक उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं बहुत सारे सेगमेंट में काम करने की वजह से आज अपने मेन प्रोडक्ट को ही फोकस नहीं कर पा रही हैं। जैसे उबर के साथ बात करें
तो उबर ने भी बहुत ही कम समय में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी, फूड डिलीवरी करना भी, उबर कैब भी, उबर ऑटो भी, उबर बाइक भी, ये सारी चीज़ें। तो देख सुनकर जो काम करता है ना दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं जाके असफलता ही हाथ लगती है। ऐसा ही कुछ काम हुआ ओला के साथ और ओला की वजह से आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात उसको कोस रहे हैं। कारण यही है कि ओला ने शुरुआत में कैब अटैच करने के लिए, ऑटो अटैच करने के लिए बहुत सारे लुहावने ऑफर दिए थे, बहुत सारी इंसेंटिव प्लान्स दिए थे और बहुत अच्छी इनकम दी थी। और वो इनकम कहीं और से नहीं आई थी, वो डायरेक्ट सोर्स से नहीं थी, वो उनके इन्वेस्टर और उनके जो भी फाउंडर मेंबर्स थे उनकी फंडिंग थी, जिसको वो ओला और उबर जैसी कंपनियां अभी तक किल करते आई हैं। और उनके पास कोई बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम रैपिडो की बात करें तो रैपिडो ने जब से अपने काम को शुरू किया है उसने इनोवेशन जरूर रखा है। इनोवेशन के साथ साथ वो समय समय पे चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड करती गई है और अपने आप को बेटर बनाती गई है। और यहाँ पे खास बात ये है दोस्तों कि उसने अपने कैप्टन्स का ख्याल हमेशा रखा है। आप माने या ना माने, कुछ लोगों के साथ अनुभव इसके गलत हो सकते हैं, लेकिन जो भी जेन्युइनली इसके साथ काम कर रहा है उसको ये पता है कि आज की डेट में रैपिडो कंपनी जो है वो बेस्ट है। क्योंकि ये इसके कुछ कारण में से जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि रैपिडो कंपनी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल सर्विस पर काम करने का अवसर प्रदान करती है, जिसकी वजह से आपके पास काम की कमी नहीं होगी। यदि आप जेन्युइनली, यदि आप नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, आप अच्छी कमाई कर सकते हैं इसके साथ साथ। और यहाँ पे और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी सर्विसेज हैं, वो इंक्लूड करते जा रही है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है कि रैपिडो अब ग्रॉसरी डिलीवरी सेक्टर में भी काम करने वाली है और ई कॉमर्स कंपनियाँ जो है उनसे भी उनकी बात चल रही है। जैसे कि ई कॉमर्स के प्रोडक्ट जो हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह के, अमेजोन वगैरह के प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन, वो भी अब आप इसके साथ डिलीवर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको रैपिडो कैप्टन ऐसा काम करते हुए अपनी रेटिंग को जरूर ध्यान में रखना है, अपनी रेटिंग को इम्प्रूव करना है और उसको बैलेंस करना है। जो कि कंपनी के मापदंड हैं उनके हिसाब से यदि आपकी रेटिंग होगी तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी कमाई को दिन दुगना और रात चौगना कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ और बात करेंगे कि रैपिडो कंपनी जो है अब आपको एक और सुविधा देने जा रही है, जिसके जरिए आप जो है एक गारंटेड इनकम भी कर सकते हैं। ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर रैपिडो आपको ऑफ़र कर सकती है फुल टाइम जॉब की तरह, जिसमें आपको वो एक सैलरी देगी, एक फिक्स सैलरी देगी और साथ ही साथ आपको कुछ इंसेंटिव देगी, जैसे आपका पेट्रोल का कन्वेंस वगैरह हो गया, गाड़ी का कन्वेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें एडिशनल रहेंगी, इंसेंटिव रहेंगी। पर यदि आप जैसे कि इसके साथ बिल्कुल परमानेंटली काम करना चाहते हो तब ये ऑप्शन भी है आपके साथ, आप इस ऑप्शन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ समय समय पर शेयर करता हूँ, और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी से और ऐसे हमसे आप जुड़े रह सकें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे तो हमारे नई वीडियोस के अपडेट जो हैं आप तक नहीं पहुंचेगी। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेन